Bismillahir Rahmanir Rahim. 24x plus 2, 24x plus 4, 24x plus 6, 24x plus 8 is equal to 768. इस क्वेश्चन को सोल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे, ये 24x नहीं, इनको अपनी जगह लिख देंगे, जबकि ये प्लस 2 नहीं, इनको लिख देंगे प्लस 5 माइनस 3. इनसे दोबारा प्लस 2 आता है और इसी तरह 24x इसको अपनी जगह लिख देंगे, प्लस 4 को भी इस तरह लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 5 प्लस 5 माइनस 1. 24x को अपनी जगह लिख देंगे, प्लस 6 को लिख देंगे इसी तरह 5 प्लस 5 प्लस 1. इसी तरह 24x इनको अपनी जगह लिख देंगे, प्लस 8 को लिख देंगे प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 768. फिर क्या करेंगे, 24x प्लस 5, 24x प्लस 5, 24x प्लस 5, 24x प्लस 5, ये सब में सेम है ना, तो लेट ले लेंगे इनको. 24x प्लस 5 को किसके बराबर, y के बराबर, तो यह आ जाएगा y माइनस 3, यहाँ y माइनस 1, यहाँ y प्लस 1, y प्लस 3 इज इक्वल टू 768. फिर क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे. रीअरेंज इस तरह करेंगे, यहाँ ये कंस्टेंट वैल्यू है माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 3 प्लस 3, तो यहाँ इनसे भी ज़ीरो आता है, इनसे भी ज़ीरो आता है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों को और इन दोनों को साथ लिख देंगे. तो यहाँ लिख देंगे y प्लस 1 इनके साथ y माइनस 1, इसी तरह y प्लस 3 y माइनस 3 इनको साथ लिख देंगे इज इक्वल टू 768. फिर क्या करेंगे, ये दोनों और इन दोनों, इनको फार्मूला के मुताबिक करेंगे. हमें पता है कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये बराबर होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के, तो इनको और इनको इस तरह करेंगे, यहाँ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर, दूसरे ब्रैकेट में वाई स्क्वेयर माइनस थ्री स्क्वेयर इज इक्वल टू 768. तो यहाँ वाई स्क्वेयर इसको अपनी जगह लिख देंगे, माइनस वन स्क्वेयर वन के बराबर होता है, वाई स्क्वेयर माइनस इनसे नाइन इज इक्वल टू 768. फिर क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनसे आ जाएगा वाई पावर फोर, इनसे माइनस नाइन वाई स्क्वेयर, इनसे माइनस वाई स्क्वेयर या माइनस वाई वन स्क्वेयर, इनसे प्लस नाइन, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 768. तो यहाँ लिख देंगे वाई पावर फोर, यहाँ ये वन है ना, तो इनको ऐड करने से आ जाएगा माइनस टेन वाई स्क्वेयर प्लस नाइन इजी, इनके साथ में लाएंगे माइनस 768 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ जाएगा वाई पावर फोर माइनस टेन वाई स्क्वेयर इनसे माइनस 759 इज इक्वल टू ज़ीरो. फिर क्या करेंगे, लेट ले लेंगे किसको, वाई स्क्वेयर को किसके बराबर, टी के बराबर, इसी तरह वाई फोर आ जाएगा, वाई पावर फोर टी स्क्वेयर के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा टी स्क्वेयर इनकी जगह माइनस टेन माइनस 759 इज इक्वल टू ज़ीरो. फिर ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ टी स्क्वेयर को अपनी जगह लिख दें और इनको लिख देंगे प्लस 23
33t minus 759 is equal to 0. इनसे कॉमन और इनसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ इनसे t को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा t प्लस 23, इनसे माइनस 33 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा t प्लस 23 इज इक्वल टू ज़ीरो. t प्लस 23 इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे जबकि दूसरे ब्रैकेट में t माइनस 33 इज इक्वल टू ज़ीरो. तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी, एक आ जाएगा t प्लस 23 इज इक्वल टू ज़ीरो, दूसरा t माइनस 33 इज इक्वल टू ज़ीरो. फिर क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे. रिकॉल में क्या करेंगे, t को हमने इधर भी रिकॉल करेंगे, t को हमने किसके बराबर दिया था, इसको हमने y स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ y स्क्वायर लिख देंगे प्लस 23 इज इक्वल टू ज़ीरो, इधर भी लिख देंगे y स्क्वायर माइनस 33 इज इक्वल टू ज़ीरो. फिर क्या करेंगे, y को हमने किसके बराबर लिया था, इनको हमने 24x प्लस 5 के बराबर, तो y स्क्वायर है तो यहाँ 24x प्लस 5 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 23 इज इक्वल टू ज़ीरो. फिर क्या करेंगे, इनको फार्मूला के मुताबिक खोलेंगे तो यहाँ जाएगा 576x स्क्वायर प्लस 240x प्लस 25 प्लस 23 इज इक्वल टू ज़ीरो. फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 576x स्क्वायर प्लस 240x इनसे प्लस 48 इज इक्वल टू ज़ीरो. फिर क्या करेंगे, इनसे 48 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो. फिर दोनों साइड को 48 पर डिवाइड करेंगे, इसको भी 48 पर और इसको भी 48, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो. फिर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ a किसके बराबर, 12 बी 5k और c 1k. फिर इनको क्वाड्रेटिक फार्मूला में फुट करेंगे, वो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिनोमिनेटर में 2a, तो यहाँ माइनस बी की जगह जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर है तो यहाँ जाएगा 25 माइनस 4 सी 12 के 1 तो यहाँ जाएगा माइनस 48, डिनोमिनेटर में 2a तो a 12 के, यहाँ 24 आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 23, डिनोमिनेटर में 2, ये माइनस 23 नहीं, इनको लिख देंगे स्क्वायर रूट के अंदर 23 स्क्वायर रूट माइनस 1, तो यहाँ स्क्वायर रूट 23 स्क्वायर रूट माइनस 1 आयोटा के बराबर होता है, तो यहाँ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 आयोटा, डिनोमिनेटर में 24. फिर क्या करेंगे, यहाँ ये वाई स्क्वायर, ये वाली क्या वाई स्क्वायर माइनस 23, इनको इस साइड पर लाएंगे माइनस 23 को, तो यहाँ जाएगा 23, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस
स्क्वायर रूट 23। फिर y को हमने किसके बराबर लिया था, y को हमने लिया था 24x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23। फिर क्या करेंगे, ये प्लस 5 नहीं है, ये वाले इनको साइड पर लाएंगे, 24x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23। ये दोनों साइड को 24 फॉर डिवाइड करेंगे, इसको भी और इसको भी, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 डिनोमिनेटर में 24। तो हमारे पास x की 4 वैल्यू आ गई, 2 इमेजिनरी है और 2 रियल। x की पहली वैल्यू आ गई माइनस 5 प्लस स्क्वायर रूट 33 डिनोमिनेटर में 24। x की दूसरी वैल्यू आ गई माइनस 5 माइनस स्क्वायर रूट 33 डिनोमिनेटर में 24। x की तीसरी वैल्यू आ गई, ये दोनों इमेजिनरी है, माइनस 5 प्लस स्क्वायर रूट 23 आयोटा डिनोमिनेटर में 24। इसकी फोर्थ वैल्यू आ गई माइनस 5 माइनस स्क्वायर रूट 23 आयोटा डिनोमिनेटर में 24।